मलेरिया के खिलाफ जंग जीतने के बाद अब छत्तीसगढ़ ने एचआईवी के खिलाफ भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। छत्तीसगढ़ में एचआईवी के मामले तेजी से नियंत्रण में आ रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर, घट रहे हैं एचआईवी के मामले, रंग ला रही है मुहिम। जी हां, छत्तीसगढ़ में मलेरिया के बाद अब एचआईवी भी नियंत्रण में है, क्योंकि साल दर साल इसके मामले लगातार घट रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 2007-08 से 2020-21 यानी 14 सालों में 54,71,699 लोगों का एचआईवी टेस्ट हुआ। इनमें से 35,700 लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। साल 2020-21 में 7,11,418 टेस्ट में 1,851 संक्रमित मिले। मतलब छत्तीसगढ़ में 2020-21 आते आते सिर्फ 0.26% लोग ही एचआईवी पॉजिटिव बचे, जबकि 2007-08 में छत्तीसगढ़ में संक्रमितों का प्रतिशत दर 4.47% था। छत्तीसगढ़ में अब तक मिले संक्रमितों में 60% पुरुष और 40% महिलाएं हैं। ये सभी संक्रमित 25 से 49 साल के बीच के उम्र के हैं। छत्तीसगढ़ में 2007 से अब तक 6,573 एचआईवी पीड़ितों की मौत भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे 2014-15 में 2,83,346 संक्रमित थे, जबकि संक्रमण का प्रतिशत 1.11% था। वहीं 2015-16 में 3,46,083 संक्रमित थे और संक्रमण का प्रतिशत 0.84% था। 2016-17 में कुल 4,94,850 संक्रमित थे और संक्रमण का प्रतिशत 0.61% था। वहीं 2017-18 में संक्रमितों की संख्या 7,03,788 थी और संक्रमण दर 0.47% था। वहीं 2018-19 में संक्रमितों की संख्या 8,67,040 थी और संक्रमण का प्रतिशत 0.33% था। इस तरह 2019-20 में संक्रमितों की संख्या 11,28,476 थी और संक्रमण का प्रतिशत 0.29% था। वहीं 2020-21 में संक्रमण का प्रतिशत 0.29% से घटकर 0.26% पर आ गया। ये तो बात हुई पिछले 7 सालों के आंकड़ों की। अब अगर जिलावार एचआईवी का ग्राफ देखें तो रायपुर में कुल 10,116 संक्रमित हैं और प्रतिशत 1.49% है। वहीं बिलासपुर में 6,257 और संक्रमण का प्रतिशत 0.98% है। इसी तरह दुर्ग में 5,671 संक्रमित हैं और संक्रमण का प्रतिशत 1.10% है। वहीं राजनांदगांव में 2,229 संक्रमित हैं और संक्रमण का प्रतिशत 0.62% है, जबकि बस्तर में 2,206 संक्रमित हैं और संक्रमण का प्रतिशत 1.20% है। कवर्धा में 1,239 संक्रमित हैं और संक्रमण का प्रतिशत 0.64% है। वहीं महासमुंद में 970 संक्रमित हैं और संक्रमण का प्रतिशत 0.48% है, जबकि सरगुजा में 933 एचआईवी संक्रमित मरीज हैं और यहां संक्रमण का प्रतिशत 0.31% है, जबकि रायगढ़ में 657 संक्रमित हैं और संक्रमण का प्रतिशत 0.19% है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एचआईवी का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर एचआईवी के अंडर कंट्रोल होने की असल वजह क्या है। तो दरअसल सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। मसलन, सरकार समय समय पर जागरूकता अभियान चला रही है। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत करीब 42 एनजीओ को काम पर लगाया गया है। इन्हें स्क्रीनिंग, अस्पतालों तक मरीजों को ले जाना और दवाइयां बांटने की जिम्मेदारी दी गई है। एचआईवी की रोकथाम के लिए शासन हर साल करीब 30 करोड़ रुपए खर्च भी कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है कि प्रदेश एक एक कर, चाहे कुपोषण हो, मलेरिया हो या फिर अब एचआईवी, हर एक बीमारी को बाहर का रास्ता दिखा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।